हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अवकलज डेरिवेटिव क्या होता है और उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, हमको यहां पर एक फलन दिया है एफ, उसका एक बिंदु ए पर अवकलज का क्या फॉर्मूला होगा, इसको नोट कर लीजिए। यह अवकलज होगा, इसको हम बोलेंगे एफ डैश ए इक्वल। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमको x इक्वल टू टू पर फंक्शन एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करना है, तो हमको क्या करेंगे एफ डैश टू, इस नियम को लगाइए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ टू प्लस एच, एक स्थान पर क्या है टू, माइनस एफ टू अपॉन एच। इसको और सॉल्व कर लीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब एफ एक्स का डिफाइन किया है थ्री एक्स, तो यहां आ जाएगा थ्री टू प्लस एच माइनस थ्री इंटू टू अपॉन एच। तो इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करिए, एच टेंडिंग टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस थ्री एच माइनस सिक्स अपॉन एच, सिक्स और सिक्स कैंसल हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो थ्री एच अपॉन एच, एच एच कैंसल हो गया, कितना मान आ गया थ्री, तो इसका अवकलन का मान कितना है थ्री। क्लियर, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो पर साइन एक्स का अवकलज का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपका एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स, तो हमको एफ डैश जीरो बिंदु पर ज्ञात करना है, तो इसका नियम क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ कितना हो जाएगा साइन जीरो प्लस एच माइनस साइन जीरो अपॉन एच। तो इसको देखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच माइनस जीरो अपॉन एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच, और इसकी लिमिट हमको लिमिट की कंडीशन में मालूम थी कि इसका मान कितना होता है वन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक फलन जो है का एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यह व्यापक सूत्र होता है, इसको हम क्या बोलते हैं अवकलन का प्रथम सिद्धांत। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होता है, इस फॉर्मूला को सभी बच्चे याद रखेंगे, इसका यूज करके हमको अवकलन ज्ञात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन में देखते हैं कि हमको एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कितना हो जाएगा जी, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपॉन एच, टेन एक्स प्लस टेन एच माइनस टेन एक्स अपॉन एच, टेन एक्स कैंसिल हो गए, अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो गए, इक्वल टू कितना मान आ गया इसका टेन, ये आपका आंसर है।
इसी प्रकार से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, तो इसमें हमको यहां पर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए एफ डेस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसमें मान पुट करिए, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। इसको आप फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर कट गया, इसमें से एच कहां निकल जाएगा, तो टू एक्स प्लस एच अपॉन एच, एच एच कैंसल हो गया, तो कितना बचा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू एक्स प्लस एच। एच का मान जीरो रख दीजिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा टू एच प्लस जीरो इक्वल टू एक्स। यह आपका आंसर है। ओके, थैंक यू। इसी